हाँ मैम बोलो। हाँ मैम बोलो। बोलो क्या हुआ? थैंक यू मैम। तो कुछ नहीं है मैम। ठीक है तो यहाँ पे अपने पास वाई डैश इज इक्वल टू, हाँ नहीं है ना, है बात की। हेलो एम ऑडिबल। तो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स, ये अपने पास गिवन है। और इनिशियल कंडीशन क्या गिवन है, वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू टू, और फाइंड आउट करना है अपने को वाई ऑफ 0.1। अब इसमें देखो अपने को वाई वन निकालना है, वाई टू निकालना है, ये समझ में कैसे आता है, यहाँ पे 0.1 पूछा है ना, तो 0.1 जैसे अगर मुझे एक्स नॉट निकालना है तो एक्स नॉट मेरे पास जीवन है, तो एक्स वन हम लोग कैसे लेते हैं, 0 इंटू यहाँ पे एच को ऐड करना है, तो अगर मैं एच को 0.1 लूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा। तो इसीलिए एच को मैं क्या लूंगा, 0.1, और उसका फर्स्ट आइटरेशन निकाल लूंगा मतलब वाई वन, तो वो मेरे पास वाई ऑफ 0.1 आ जाएगा। तो एच को हम लोग क्या ले लेते हैं, अगर नहीं दिया है तो हम लोग एच को क्या ले लेंगे, 0.1। अब अपने को क्या करना है, एक एक करके के वन के टू वगैरह निकालना है। तो फॉर्मूला क्या था अपने पास, वाई ऑफ एम, तो वन निकाला है ना, तो वाई ऑफ वन इक्वल टू वाई नॉट प्लस, ये 1/2 होगा, 1/2 होगा, एच बाई टू कैसे होगा, वो अलग से एच हम लोग उसमें ऐड करते हैं ना, के वन के यहाँ पे रहेगा, हम लोग के वन निकालते उसमें एच रखते हैं, तो इसमें नहीं आएगा वो। ठीक है, हम लोग के वन जब उसमें एच ऐड कर रहे हैं ना के वन में, ठीक है, के वन में एच अगर है तो फिर वो नहीं आता उसमें, तो ये क्या आ जाएगा, एच इंटू एफ नॉट, और के टू क्या रहता है अपने पास, एच एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के। ठीक है, निकालो क्या आ रहा है, ये अगर ये जब लिखते हैं ना हम लोग तब h बाई टू आता है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं y नॉट h बाई टू एफ ऑफ एफ नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स नॉट h y नॉट की, ठीक है, अगर ऐसे लिखेंगे तो h बाई टू आता है। ऑप्शन है 2.2100, 2.0050, 2.2050 और 2.1900। टू पॉइंट टू जीरो सी ऑप्शन यही आ रहा है सबका। बोलो, शॉर्ट ट्रिक मतलब ये सिंपल है, बाय वन ही पूछ रहे हैं, हाँ अगर इसको थोड़ा और ज्यादा पूछेंगे तो फिर वो लंबा हो जाएगा, एक्चुअल में सब कैलकुलेशन पार्ट ही रहता है, इसलिए सिंपल ही पूछते हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें, मतलब पॉइंट ही ऐसा देंगे कि उतना टाइम नहीं लगता। ठीक है,
जैसे देखो अपने को भी क्या निकालना है, एक तो K1 निकालना है, एक तो K2 निकालना है। तो K1 का फॉर्मूला क्या है अपने पास, H टाइम्स F नॉट निकालना है। F नॉट मतलब X नॉट Y नॉट, मतलब H टाइम्स X नॉट क्या है अपने पास 0 और Y नॉट क्या है अपने पास 2। तो H इंटू, अब ये X नॉट के प्लेस, X के प्लेस पे 0 पुट करूंगा, Y के प्लेस पे 2, तो ये 2H आ जाएगा, ठीक है। ऐसे अगर K2 निकालेंगे तो K2 अपने पास है H F ऑफ X नॉट प्लस H और Y नॉट प्लस K आ जाएगा। तो H, अब एक्स नॉट को, एच को क्या लिया है हम लोग ने, 0.1 लिया, और एक्स नॉट क्या है 0, तो 0 प्लस 0.1 ये आ जाएगा 0.1, और वाई नॉट प्लस के तो ये 2 प्लस, सॉरी K1 है ये, तो K1 क्या दिया अपने पास यहाँ पे 2 इंटू 0.1, तो ये क्या आ जाएगा 0.2, तो ये 2 प्लस 0.2। अब यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या आ जाएगा अपने पास 2.2 माइनस 0.1, तो 0.1 और ये 2.1 है ना, तो एक पॉइंट और काम आ जाएगा, 2.1 0.2। यहां तक क्लियर है सबको, यही आ रहा है। अब इसको पुट कर दो फॉर्मूले में, बस आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, K1 प्लस K2, तो वाई नॉट तो अपने पास 2 है, प्लस 1/2 K1 प्लस K2, तो K1 दिया है 0.2, 0.21, तो 2 प्लस 1/2 यह आ जाएगा 0.41। इसको डिवाइड करेंगे तो 0.205, तो मतलब यह आ जाएगा 2 पॉइंट, ये क्या हो गया, सही है ना, 2.205, अच्छा डबल जीरो दिया इसमें, तो सी ऑप्शन आ जाएगा 2050, ठीक है। तो ये बहुत पहले पूछा था, और बहुत मतलब कम से कम 7-8 साल पहले पूछा था, 2013 या 2014 में पूछा था, उसके बाद डायरेक्ट 2021 में पूछा। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो अपना इंटरपोलेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन वाला हो गया, डिफरेंशियल ऑपरेटर हो गया, आइलर्स मेथड भी हो गया। हाँ अब सिर्फ न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन बचा है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में तीन फॉर्मूले हैं, बस वो याद रखना है। एक अपने पास ट्रेपोजॉइडल रूल होता है, एक होता है सिम्पसन का 1/3 रूल, और एक सिम्पसन का 3/8 रूल। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, वो याद करना है। उसमें क्या करते हैं, अलग अलग मतलब नंबर ऑफ पार्टीशन में हम लोग डिवाइड करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई एक फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसको किसी इंटरवल पे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, ये ए और बी। तो इसको डिवाइड कैसे करते हैं हम लोग, इक्वल एन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो अगर इक्वल एन पार्ट्स में डिवाइड करूंगा तो हर एक का जो लेंथ आएगा वो लेंथ सबको क्या दे देंगे, एच, ठीक है। सबका लेंथ कितना आ जाएगा, एच। तो मतलब अगर पहले पॉइंट को मैं ए को एक्स नॉट दे दूंगा तो मेरे पास एक्स वन क्या होगा, ए प्लस, उसमें एक एच ऐड कर रहा हूं ना, 1H। ऐसे अगर मैं एक्स टू निकालूंगा तो ए में कितने एच ऐड कर रहा हूं, पहले ये पॉइंट पे आया तो एक एच ऐड आ, ऐसे 2H। ऐसे ही अगर मैं एक्स एन निकालूंगा तो उसमें कितने एच को ऐड कर रहा हूँ, एन टाइम्स एच को ऐड कर, तो यहाँ से एच की फॉर्मूला आ जाता है। और एक्स एन अपने पास क्या है, लास्ट बी, तो बी इज इक्वल टू ए प्लस एन एच। तो अगर एच निकालना है इनकेस तो कैसे निकालेंगे, बी माइनस ए बाय एन, मतलब पूरे टोटल कितने हैं मेरे लेंथ, ये बी माइनस ए है, और उनको n इक्वल पार्ट में डिवाइड किया तो n से डिवाइड कर देंगे, तो ये हर एक का लेंथ आ जाता है। तो h की वैल्यू कितनी होती है, b माइनस a अपॉन n, ठीक है। तो ये h हो जाता है b माइनस a अपॉन n, n मतलब कितने पार्टीशन में उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, और b मतलब लास्ट पॉइंट, a मतलब इनिशियल पॉइंट, वो डिपेंड करता है कितने पॉइंट अपने पास गिवन है, ठीक है। ये समझ में आया सबको, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए बी को एन पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और एन पार्ट में डिवाइड करके
मान लो किसी ए बी पे एक फंक्शन को डिफाइन किया है, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को और ए बी पे इसको डिफाइन किया है, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो कैसे निकालेंगे इसको, हम लोग ने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, एन पार्ट में। तो एच बाई टू टाइम्स जो पहले स्टार्टिंग और जो मतलब एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी, ये इसको ऐड कर देंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट और लास्ट वाला एफ ऑफ एक्स एन, और बाकी सबको टू टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स एन है ना, तो एक्स वन से लेके एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ठीक है। तो ये अपने पास फॉर्मूला आ गया, एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स एन प्लस टू टाइम्स एफ ऑफ एक्स वन सॉल्व अप टू एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, ये बड़ा वाला छोटा वाला ब्रैकेट बड़ा वाला, क्लियर है सबको ये इसका क्वेश्चन, ये क्लियर है सबको। तो ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में भी लिखा रहेगा या फिर वाई वन वाई टू वाई थ्री के फॉर्म में। तो अपने पास पॉइंट गिवन होंगे, तुमको पहले ये देख लो कि एन पार्ट कितने हैं। अगर फाइव पार्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक्स नॉट है वाई नॉट है, ऐसे ही मान लो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव, और उसका इमेज गिवन है वाई वन वाई टू वाई थ्री वाई फोर वाई फाइव। तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा अपने पास, अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो एच बाई टू किस पॉइंट पे निकालेंगे हम लोग, पहले ये वाला वाई वन प्लस वाई फाइव टू टाइम्स वाई टू प्लस वाई थ्री प्लस वाई फोर, ठीक है। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर दो, ये वैल्यू अपने पास गिवन होगी, यहाँ पुट कर दो, एच भी गिवन होगा, एच नहीं भी गिवन है तो एच निकाल सकते हैं हम लोग, बी माइनस ए बाय एन कितने नंबर ऑफ पार्ट में उसको डिवाइड किया है, ठीक है, क्लियर है सबको ये। कभी क्वेश्चन पूछा है इसमें, देखो कभी कभी तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अगर ये टेक्स दी वैल्यू y नॉट y1 वन सॉल्व अप टू y n फॉर a इज इक्वल टू x नॉट x1 इज इक्वल टू x नॉट प्लस एच सॉल्व अप टू x n इज इक्वल टू x नॉट प्लस n टाइम्स h इज इक्वल टू b, तो देन दी वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स dx बाय ट्रेपेजॉइडल रूल। तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इसमें से, इसमें कुछ नहीं करना है सिर्फ फॉर्मूला पता होना, ऑप्शन बी करेक्ट है, एच बाई टू सब में है वाई नॉट प्लस वाई एन और बाकी जितने भी टर्म्स हैं उनको टू से मल्टीप्लाई करना, तो बी ऑप्शन करेक्ट है इसमें, ठीक है, ये टू से स्टार्ट किया है। हाँ ठीक है, और तो इसमें कभी कुछ पूछा ही नहीं, तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा है, वो भी फॉर्मूला पूछा है, ठीक है। तो ये ट्रेपेजॉइडल रूल हो गया, क्लियर है सबको ट्रेपेजॉइडल रूल, एच बाय टू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस टू टाइम्स वाई एन सॉल्व अप टू वाई एन माइनस वन। नेक्स्ट आता है सिम्पसन का वन बाय थ्री रूल, ऐसे एक थ्री बाय एट रूल है और एक वन बाय थ्री रूल है, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है बाकी कुछ नहीं। इसमें क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ पार्टीशन करते हैं ना उसको हमेशा याद रखना, वो इवन पार्टीशन मतलब जैसे टू एन में करते हैं, जैसे अगर टू कर दिया ना तो इसको ऐसे समझना है कि ये वन इंटू टू है, अगर फोर पार्ट में है तो इसको समझना है टू इंटू एन, मतलब इसको टू एन के फॉर्म में ही लिखना है। तो अगर इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं कि एक्स नॉट से लेके टू एन तक, मतलब जो भी रहेगा जितने पार्टीशन में, या फिर सिंपल ए टू बी भी लिखा है,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, टू एन पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। नाम से पता चल रहा है 1/3, तो वहां पे h बाय 2 से किए थे, यहां पे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, h बाय 3 से करेंगे। अब ये इसको हम लोग टू एन पार्ट में डिवाइड किया है, इसका मतलब ये इवन नंबर ऑफ पार्ट में होगा, जैसे 2, 4, 6 ये टाइप के होंगे। तो जैसे वहां पे y नॉट y n को अलग से रखे थे ना, ऐसे यहाँ पे y नॉट और y 2n को अलग रखेंगे, ठीक है। अब अगर ये y नॉट y 2n को अलग कर दूं, तो बाकी के जो टर्म्स बचेंगे ना, उसमें कुछ इवन होंगे कुछ ऑड होंगे, तो इवन को अलग से रखना है और ऑड को अलग से रखना है। तो जो ऑड वाले पार्ट है ना, उनको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इवन वाले पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना। तो ऑड वाले में कौन कौन से टर्म रहेंगे, y नॉट तो यहाँ हो गया, तो y1, y3, y5 से लेके कहाँ तक जाएंगे, ये 2n-1 तक, 2n-1 तक। क्लियर है सबको ये 2n-1, और ये इवन वाले, तो y नॉट तो यहाँ से हो गया, तो कहाँ से स्टार्ट होगा, y2, y4, और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, y2n, तो यही हो गया ना, तो यहाँ पे ये जाएगा y ऑफ 2n-2। तो ये अपने पास फॉर्मूला हो गया। क्लियर है सबको ये। हाँ, इवन के लिए 2 है, ऑड के लिए 4 है। अब जैसे मान लो किसी को हम लोग ने 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो वो कैसे रहेगा, y नॉट, y1, y2, y3, y4, ठीक है। तो ये हम लोग ने इसको 6 पार्ट में डिवाइड किया। अच्छा, यहाँ जितने पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, ये पॉइंट उसके उससे एक ज्यादा रहेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा, अगर अपने को a टू b f ऑफ x dx निकालना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, h बाय 3 y नॉट प्लस y 6 प्लस 4 टाइम्स जितने भी ऑड पार्ट वाले हैं, तो y 1, y 3 प्लस y 5 प्लस 2 टाइम्स इवन वाले y 2, y 4, क्योंकि y 6, y नॉट यहाँ पे हो गए। क्लियर है सबको ये। ऐसे 4 के लिए रहेगा, 2 के लिए रहेगा, 8 के लिए रहेगा, ये हमेशा इवन में ही रहता है। समझ में आया सबको ये। इसको बोलते हैं सिम्पसन का 1/3। तो यहाँ पे h बाय 3 है, ऐसे 3/8 में यहाँ पे 3/8 रहेगा, 3/8 टाइम्स h, ठीक है। ये समझ में आया सबको। अब सिम्पसन के 3/8 में, इसमें अपने को n पार्ट में डिवाइड करना है, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि वो इवन ही रहना चाहिए, इसमें ऑड भी रहेगा इवन रहेगा तब भी चलेगा। तो अगर मान लो y नॉट y1 से लेके yn ये वैल्यू ले रहा है x नॉट से लेके xn तक, इसको मैंने पार्टीशन कर दिया, तो जो इंटीग्रेशन आएगा a टू b f ऑफ x dx, तो इसमें भी पहले क्या करना है, यहाँ पे 3h/8, ये 3/8 है तो यहाँ पे 3/8, 1/3 है तो यहाँ पे 1/3। तो पहले y नॉट और y ऑफ n को तो अलग लिख देना, ठीक है, मतलब फर्स्ट और लास्ट टर्म को अलग से, मतलब f ऑफ a और f ऑफ b आ गया। अब इसमें भी क्या करना है, 3 के मल्टीपल को अलग रखना है और जो बाकी बचेंगे उनको अलग रखना है। तो 3 के मल्टीपल मतलब कहाँ तक आएंगे, y ऑफ 3, y ऑफ 6, ऐसे कहाँ तक आएंगे, y ऑफ n माइनस 3 तक, और बाकी के जो बचेंगे उनको अलग से लिखना है। तो क्या बच रहे हैं, y ऑफ 1 प्लस 2, उसके बाद फिर 3 यहाँ हो जाएगा, तो 4, 5, मतलब ये टाइप के रहेंगे, ठीक है, बाकी जो बचेंगे। और इनको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो 3 के मल्टीपल है इनको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो गया अपने पास सिम्पसन 3/8 रूल। एग्जाम्पल लेके इसको कर देते, ये समझ में आया क्या है, फर्स्ट लास्ट 3 के मल्टीपल को 2 टाइम्स, बाकी जो बचेंगे उसको 3 टाइम्स। क्लियर है सबको ये। अब जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं,
मान लो अपने पास एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, एक्स फोर, एक्स फाइव, एक्स सिक्स गिवन है, और सिम्पसन का 3/8 रूल लगाना है। तो इंटीग्रेशन ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, बाहर क्या होगा, 3h/8, सबसे पहले वाई नॉट और एक्स सिक्स पे वाई सिक्स, ठीक है, फिर उसके बाद 3 टाइम्स जो बचेंगे 3 के मल्टीपल के अलावा। तो पहले 3 का मल्टीपल ले लेते हैं, तो 3 का मल्टीपल क्या आएगा, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना, तो वाई ऑफ 3 है और एक तो बस एक ही रहेगा ना, और कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। अगर ये मान लो एक्स फाइव होता तब भी यही रहता, लेकिन अगर ये एक्स सिक्स एक्स सेवन रहता तो यहाँ पे ये वाई थ्री प्लस वाई सिक्स आ जाता, ठीक है। और बाकी क्या बच रहा है, उसको यहाँ लिख दो, वाई टू बच रहा है, अरे वाई वन, वाई टू, वाई फोर, वाई फाइव, वाई सिक्स, तो यही हो गया। बस 6 के लिए करेंगे तो इतना ही आएगा। क्लियर है सबको ये? तो ये अपने पास 3 रूल है इंटीग्रेशन के लिए। इसमें होगा क्या, अपने पास एक्स नॉट, वाई नॉट ये टाइप के गिवन होंगे, इसकी वैल्यू पुट करना यहाँ पे और इसको कैलकुलेट करना। जैसे ये देखो, दिख रहा है सबको? तो अपने पास वैल्यू गिवन है एक्स नॉट, एक्स वन, एक्स टू, वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, और क्या लगाना है इसमें, सिम्पसन रूल लगाना है विथ एच इज इक्वल टू 0.5। तो सिम्पसन रूल को कुछ नहीं बोला है, तो सिम्पसन 1/3 रूल लगा के इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। ऑड है तो इवन पार्ट में, मतलब दो ही पार्ट में इसको डिवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आ जाएगा, क्या आ रहा है इसमें निकालो, फॉर्मूला क्या लोगे, h/3 इवन वाले पार्ट को 2 टाइम करना है, ऑड वाले पार्ट को 4 टाइम। वैसे इसमें 3 ही टर्म है ही, क्या है h/3, और h भी अपने को दिया है, h इज इक्वल टू 0.5 मतलब हाफ, क्या क्या आ रहा है, बहुत डेंजर आ रहा है। क्या आ रहा है, तुम लोग पॉइंट में निकाल के देखो क्या आ रहा है। पॉइंट पुट करके देखो क्या आ रहा है।
हेलो। हाँ आंसर पता नहीं मुझे, निकाल रहे क्या आ रहा है? नहीं, वो तो ऑप्शन में ही नहीं है। बाकी लोग का क्या आ रहा है? जीरो पॉइंट फाइव? नहीं, ये भी ऑप्शन में नहीं है। और बाकी लोग का क्या आ रहा है? बोलो। आया किसी का? हेलो। अरे, तो ऑप्शन रॉन्ग होगा फिर, नहीं होगा उसमें ऑप्शन। नहीं, मेरा अलग आ रहा, जो भी आ रहा ऑप्शन में नहीं हो। ठीक है, फॉर्मूला क्या है अपने पास? अगर मैं सिम्पसन का 1/3 रूल लगा रहा हूँ तो इवन है, मतलब अगर 3 पॉइंट है मतलब इसको पार्टीशन दो ही आएगा ना, दो ही पार्टीशन होंगे, एक एक्स नॉट, एक्स वन और एक्स टू। तो ये इवन पार्टीशन हो गया क्योंकि टू है, तो इसका मतलब ये। तो इसका फॉर्मूला क्या था अपने पास? ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स एच बाई थ्री। पहले तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को ऐसे ही रखना है, मतलब वाई ऑफ एक्स नॉट, वाई ऑफ एक्स टू को ऐसे ही रखना है। उसके बाद जो ऑड मल्टीपल थे उनका 4 टाइम्स करना है, तो 4 ऑफ x1, ये फॉर्मूला है अपने पास। ठीक है, एच फॉर्मूले में दिया है 0.5, तो 0.5/3 एफ ऑफ एक्स नॉट कितना गिवन है? 1। एफ ऑफ एक्स टू गिवन है 0.5, 4 टाइम्स एफ ऑफ एक्स वन गिवन है 0.667। ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.5/3, 1.5, 4 टाइम्स, ये आता है 1.33, 2.6667। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 3, 4.167। 0.5/3 ये आ जाएगा 2, 3, 4.1667। ठीक है, अब अगर मैं इसको और अच्छे से लिखूं, ये मेरे पास 1/6 है, 4.67 का मतलब होता है 4 + 1/6, तो 6 6 अगर मैं करूं तो 1/36, 25/36। कैलकुलेट करो इसको क्या आ रहा है। या फिर मैं इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 6 से करूं तो 8.33/6। तो 1.5 और कम हो जाएगा। इसको डिवाइड करो क्या आ रहा है? 25/36। अरे, 0.39 कैसे आएगा? 3
360 x 6 पॉइंट समथिंग आएगा। हाँ तो 36, 18 का ही 0.5 से आ चले जाएगा ना, तो इसके बाद 2.16, ये 6 का कितना होता है, 36 मतलब 18216 मतलब 6, फिर इसका 9 बचेगा, तो 90 का 2 समथिंग नहीं आ रहा, कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक काम करो, सेकेंड वाले से निकालो, सेकेंड वाले से आ रहा है क्या, सिम्पसन 3/8 रूल से लगाओ। किसी से तो आएगा ही नहीं, फिर भी इससे निकाल के देखो, इससे आ रहा है। किसका, 36/25 है, 36 कितना होता है ये, 180 और 36, 216 मतलब 6 आएगा, और फिर उसके बाद, अच्छा ये 25 है ना, फिर 34, हाँ आ रहा है ना, फिर 34, फिर 9, फिर उसके बाद ये 36 का 36, फिर 36 करेंगे तो फिर उसमें से 24, 16 बचेगा। ठीक है, और फिर 16 का कितना आ जाएगा, 144, हाँ तो आ रहा है ना 6.94। सही, तो ठीक है, तो 6.94 आएगा, 25/36, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा इससे भी, तो ये अपना हो गया न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। तो देखा जाए तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में जितने भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो सब हो गए हैं। अब कुछ एक और ये भी याद कर लो, तो ये डायरेक्ट इसी में फॉर्मूला ही वो याद कर लो, पिकार्ड थ्योरम, अरे ये वाला पिकार्ड का अप्रोक्सीमेशन मेथड, कि dy/dx अगर f(x,y) गिवन है, ठीक है, अगर इंटीग्रेशन का यूज करके मुझे इसका सॉल्यूशन निकालना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसमें बहुत अलग दिया, जैसे अगर y(n) निकालना है, ठीक है, तो ये हमेशा फिक्स होता है, ये वाई नॉट ही रहता है, ये चेंज नहीं होता। ठीक है, प्लस x0 टू, ये कोई वेरिएबल रहेगा, और f, ये जो वाई एन है ना, तो xn-1 और yn-1 dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना, और ये इसका डेरिवेटिव वाला रहा है, तो ये फॉर्मूला अपने को याद रखना। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसमें तो कौन सा ऑप्शन है, मतलब ये इसका nth डेरिवेटिव है, या तो यहाँ पे लिखो या तो ये, मतलब अगर ये nth निकाल रहे हैं तो इसका n-1, तो वाई नॉट एक्स नॉट टू एक्स एफ ऑफ xn-1, नहीं, ये वेरिएबल रहेगा ना, एक्स वाई n-1, और कहीं कहीं पे अगर t लिखा है तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ t वाई ऑफ n-1 dt, ये डमी वेरिएबल है, कोई भी एक वेरिएबल यूज हुआ रहेगा, बुक वगैरह में t ही लिखा रहता है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। वैसे ना सिर्फ इसको ही देख के सब एलिमिनेट कर सकते थे इसमें, ये अगर नहीं भी पता था ना तो एक्स नॉट भी नहीं रहता है, x1 भी नहीं रहता, y1 भी नहीं रहता, वो हमेशा क्या रहता है, वाई नॉट ही रहता है। क्लियर है सबको ये, और बाकी x0 to x एफ ऑफ एक्स वाई रेस टू एन, ये डेरिवेटिव के फॉर्म में लिखा है, या फिर वाई एन लिखा रहेगा तो यहाँ पे वाई एन माइनस वन। और अगर इन केस कभी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन पूछ लिया तो इसमें वैल्यू पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं इसका, और ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन ही पूछेगा। तो एटलीस्ट फॉर्मूला तो सबका अच्छे से आना चाहिए। तो देखा जाए तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में, अरे न्यूमेरिकल एनालिसिस में, एक दो तीन चार, एक तो अपना जीरोस वाले थे, तो जीरोस वाले में तो अब तक तो सिर्फ न्यूटन रैफसन ही पूछा है, ठीक है, बट न्यूटन रैफसन के साथ जो मैंने बाकी बताया है ना वो सब भी पता होना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला पता रहेगा तब भी ठीक है, क्योंकि हो सकता है कभी फॉर्मूला ही एज इट इज डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ ले, तो
सेकेंड अपना डिफरेंस ऑपरेटर वाला था। डिफरेंस ऑपरेटर में नोट्स में मैंने जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सब याद होना चाहिए, क्योंकि पेपर के टाइम में चेक करते मत बैठना, सीधे पता होना चाहिए कि किसका किसके साथ क्या रिलेशन है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट है ना बेसिक वो सब याद, ताकि चार में से बाकी दो तो डायरेक्ट तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ ये करेक्ट है, सिर्फ एक ही चेक करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन के जितने भी हैं उन सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए, चाहे वो ट्रेपेजॉइडल हो, 3/8 रूल हो या 1/3 रूल हो। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन के कौन कौन से थे, एक आइलर्स मेथड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, अगर एग्जांपल आ गया तो पहला इटरेशन पूछेंगे या फिर फॉर्मूला। सेकेंड क्या था इसमें, एक तो रुंजे कुत्ता मेथड वो भी देख लेना सेकेंड ऑर्डर का, बाकी उसमें फोर्थ ऑर्डर का वो सब नहीं पूछते। और एक क्या है, पिकार्ड अप्रोक्सीमेशन का फॉर्मूला याद रखना। इंटरपोलेशन में एक तो 1/x का डायरेक्ट याद होना चाहिए, फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, और ये इंटरपोलेशन का पॉलिनोमियल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डिविडेंड डिफरेंस वाला ये पता होना चाहिए कि वन ऑर्डर का पूछा है, सेकेंड ऑर्डर का, थ्री ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, और इन जनरल केस भी पता होना चाहिए। और उसके बाद क्या बचा था, एक बस हो गया ना, हाँ उसमें तो वो पॉलिनोमियल ही गिवन होगा, वो पुट करके निकालना है, ठीक है। लैग्रेंजेस का फॉर्मूला है ये पूछेंगे इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर ये वाला यही टाइप का आएगा या फिर थ्री के लिए, बाकी कुछ नहीं पूछेंगे। और न्यूटन्स वाला अगर पूछेंगे तो पॉलिनोमियल दिया होगा, सीधे वैल्यू पुट करके निकाल लो, ठीक है। क्लियर है सबको, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन है ना वो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो भी पता होना चाहिए, और जितने भी इंपॉर्टेंट है ना उनका तो सॉल्यूशन भी याद होना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं उनका सॉल्यूशन भी याद करके जाओ, ताकि वो एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। जैसे जो थ्योरी पार्ट है ना तो उनको तो याद करके ही जाना, मतलब वो दो तीन बार प्रैक्टिस करोगे ना तो वो अपने आप याद हो जाता है। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया न्यूमेरिकल एनालिसिस। अब दो ही टॉपिक बचा है जिससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, छह क्वेश्चन बनते हैं मैकेनिक्स के, जिसमें सिक्स तो नहीं हो पाएगा, अगर एटलीस्ट यहाँ से फोर क्वेश्चन भी हो गया ना मैकेनिक्स के तब भी बहुत है। और एलपीपी के 8 to 10 क्वेश्चन एलपीपी के आते, 10 नहीं आता अब 80 आता है, तो यहाँ से भी अगर 6 क्वेश्चन भी बन गए ना सही, तो ये जितने भी टॉपिक है और बहुत ही सिंपल रहता है, एक दो हमेशा नया डालते हैं, बट छह टॉपिक तो ऐसे रहेंगे जो प्रीवियस ईयर के जितने हैं ना वही आते हैं, एक दो वो लोग चेंज करते रहते हैं। तो वो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टॉपिक है ना वो सब कर लेंगे, ताकि अगर किसी भी टॉपिक में से पूछेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछते, जो भी टॉपिक है ना उनका जो स्टार्टिंग होता है हमेशा स्टार्टिंग के ही क्वेश्चन पूछते हैं, जितना हार्ड कैलकुलेशन रहेगा वो कभी नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लग, हाँ अभी ये पूरा 1 month बचा है ना, तो उसमें पूरा वही सब करेंगे, एक मैकेनिक्स बचा है और एक तो एलपीपी वगैरह सब, मतलब अरे ऑपरेशनल ओआर, ठीक है, सब ऑपरेशनल रिसर्च में आता है ना, तो वो पूरा डिस्कस करें। असाइनमेंट प्रॉब्लम और बहुत सारे आते हैं ना कॉमर्स, वो भी सिंपल ही आता है, अगर 12th वाला भी कर लोगे ना उतना भी इनफ है, जो कॉमर्स में रहता है ना वो बेसिक ही पूछते हैं, एकदम हार्ड नहीं पूछते, बहुत बेसिक पूछते हैं। और इसमें ही नहीं, मतलब ये जो असाइनमेंट प्रॉब्लम वगैरह है ना इसमें भी बहुत सिंपल पूछते हैं, गेट में भी बहुत ईजी आता है वो, इतना हार्ड नहीं आता। तो एटलीस्ट सब पता होना चाहिए, ठीक है, सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए कैसे निकालते हैं, बाकी कैलकुलेशन बहुत इजी रहता है, ठीक है। तो पूरे मंथ में अप्लाइड में अपने पास सिर्फ ये दो टॉपिक बचा है, और बीच में एक दो लेक्चर में न्यूमेरिक अपना नंबर थ्योरी लेंगे, और एक लेक्चर में फूरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक है, और एक लेक्चर ले लेंगे जिसमें जो छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं ना, जैसे ओडी में कुछ टॉपिक बचा है, तो वो हम लोग एक लेक्चर में पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। जो कुछ थ्योरी पार्ट रहता है ना, सीओबी में कुछ बचा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में कुछ पार्ट बचे हैं, तो वो सब हम लोग एक लेक्चर में जो भी रहेगा वो सब कंटिन्यू, बाकी पूरा यही सब पढ़ेंगे ओआर और एलपीपी का, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स का शायद